हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी पैथन क्लासेस में। जी हां, पैथन क्लासेस में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं आज बिट वाइज ऑपरेटर। हमने इससे पहले बहुत सारे लॉजिकल, मैथमेटिकल और बहुत सारे ऑपरेटर को पढ़ा था, आज हम बात करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स। सबसे पहले जानते हैं कि बिट बाइज ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, बिट बाइज ऑपरेटर का यूज जनरली डेटा एनालिटिक्स वालों में नहीं होता है, वो वहाँ होता है जो मशीन लर्निंग होते हैं, जो बायोस को हिट करता है, मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज 0 to 1 पे अगर आपको चलना हो तो बिट बाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे किस तरह के होते हैं, तो इसमें कई सारे, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट एक आता है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट का साइन है, या एंड है आपका, फिर और का साइन यहाँ ऑपरेटर है, फिर आपका ये जो ऑपरेटर आता है आपका एक्स और का ऑपरेटर आता है, सॉरी गलत हो गया, ए जो शिफ्ट के साथ सिक्स से प्रेस करके आता है ना, ये हमारा एक्स और का होता है, और ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है, और ये हमारा राइट शिफ्ट होता है। ये जो ऑपरेटर होते हैं, ये ऑपरेटर आपके बिट बाइज ऑपरेटर कहते हैं, जो कि 0 to 1 बाइनरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर इसको अगर आप कहीं पढ़े तो सिंपल बहुत सारी चीज में यहाँ लिखा होता है कि वी यूज द डेसिमल नंबर सिस्टम इन द आवर डेली लाइफ, दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट द 10 digit 0 to 9, वी काउंट द ऑल नंबर यूजिंग देस 10 digit ओनली, बट केस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम यूज बाय कंप्यूटर इंटरनली दे आर ओनली 2 digits 0 and 1 विच आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट या बिट्स। All values are represented only using the these 2 bytes is the possible convert to decimal number into minor number or vice area, vice versa। जैसे कि अगर हम 45 को convert करते हैं binary में, तो होता है वो 0 0 1 0 1 1 0 1। अब binary number को convert कैसे किया जाता है, इतना deeply programming हमारे data analytics वाले नहीं करते हैं, करना भी चाहे तो वो यूट्यूब और गूगल पे बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल हम आपको दे देते हैं बिट वाइज के, जो है बिट वाइज के कुछ एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारे डेटा एनालिटिक्स के अंदर में उतना यूजफुल नहीं है, फिर भी हम आपको चीज़ें बताते हैं। जैसे कि मैंने एक्स इक्वल टू 10 ले लिया और यहाँ वाई इक्वल टू मान लीजिए 11 ले लिया। अब देखिए, मैं यहाँ पे प्रिंट का कमांड दे रहा हूँ, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे साइन दिया और यहाँ पे दे दिया एक्स। अब देखिए 10 का जो कॉम्पिटेटिव वर्जन है वो आएगा 11। उसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंट का कमांड दिया, प्रिंट कमांड में मैंने इसको अगर दे दिया एक्स एंड वाई, अब देखिए प्रिंट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आपको आ गया 10, रिजल्ट क्या आया 10 है। अगर इसी में अगर मैं कर देता हूं प्रिंट एक्स 10 नहीं 10 नहीं 10 आया सॉरी, और यहां पे एक्स और का साइन क्या है, तो और का साइन ये रहा वाई, ये और का साइन है, ये आपका एंटर के बगल में आता है, तो ये आपका आ रहा है 11 11 आ गया। उसी तरह से मैं अगर प्रिंट एक्स और करूं, प्रिंट ये हमारा एक्स और पावर का साइन होता है नॉर्मली, वो एक्स और का साइन होता है वाई हमने कर दिया, तो ये हमारा एक्स और का साइन, यहाँ पे देखिए 1 आया, एक्स और में क्या आया 1 आया। उसके अलावा इसमें हम लेफ्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया प्रिंट, और प्रिंट में मैंने यहाँ पे एक्स लिया और हमने लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दिया, तो इसका रिजल्ट देखिए क्या है, रिजल्ट आपका 40 आया। जी हाँ, क्या आया 40 आया। राइट शिफ्ट करके तो ये बिट वाइज जो आ रहा है बिट वाइज आ रहा है, तो मशीन लर्निंग प्रोग्राम में इसको डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है, बट यहाँ हमने आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि होता क्या है बिट बाइज प्रोग्राम।
फिर बिट वाइज प्रोग्रामिंग हमने आपके साथ डिस्कस कर। तो अच्छा लगा वीडियो, तो देखिए इसको आगे बढ़िए और अगली टॉपिक में हम जो है मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।